हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बेटा, अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से थॉट के साथ। तो बेटा, आपको पता ही है कि अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पूरे वर्ल्ड में ही। तो बच्चे कुछ सोच रहे थे कि पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पा रही है या पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बेटा, ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि बेटा किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो बेटा, पहले की तरह मैं आपको बता दूं कि अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स आपको फाइनल में यही आपका एकमात्र सहारा होंगे जो आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चार्जेस, पहली कंडीशन ये रखी थी कि लाइक और अनलाइक हो सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। फिर मैंने बताया था कि चार्जेस विट्रियस और रिसाइनस होते हैं, तो इससे भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। और आफ्टर दैट हमने एक इलेक्ट्रिक थ्योरी पढ़ी थी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे हमें पता चला था कि चार्जेस हैज टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आए थे, मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक एटम से दूसरी तरफ आपका इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो क्या होता है, उस साइड नेगेटिव चार्ज हम मानते हैं, और दूसरी साइड मतलब कि जहां से एटम गया, जहां से चार्ज गया, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो बेटा इसकी अब कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एसआई यूनिट और इसका मिनिमम वैल्यू। तो बेटा एसआई यूनिट और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, तो बेटा एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कुलाम। ठीक है, कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जैसे हर चीज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है दुनिया में, तो इसी तरह चार्ज की भी मिनिमम वैल्यू होती है, जिसे हम कहते हैं वन बेसिक क्वांट। क्या कहेंगे, वन बेसिक क्वांट, और ई से डिनोट करेंगे, और वन ई इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ के 90। ठीक है, अब क्योंकि चार्ज हमने डिस्कस किया था, तो इसकी उस समय कोई ऐसा यूनिट नहीं थी, तो कुलाम ने अपना ही नाम अपने आप को ऑनर करने के लिए जो चार्ज की यूनिट है उसको कुलाम सी से डिनोट करते हैं, हमने मान लिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, कुलाम होगी, और मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की 1.6 × 10⁻¹⁹। इस वैल्यू को रट लेना अच्छे से, पूरी 12th में काम आने वाली है, हर चैप्टर में मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस की बात करते हैं। मान लो आपको दिख रही है, मैंने दो ब्लॉक्स माने, ब्लॉक वन मान लेते हैं इसको और ब्लॉक टू मान लेते हैं। तो मैंने बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कब होता है। मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर रब करा देता हूँ और इसको इसके ऊपर फिर से रब करा देता हूँ, तो रब करने के बाद ही तो क्या हुआ, रब करने के बाद ही तो क्या हुआ, हमारा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, या तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गए होंगे या फिर इधर से इधर गए होंगे, है ना। लेकिन एक बात आप सोचो बेटा, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं और इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर हुए कब, जब आपने इनको क्या किया था, फ्रिक्शन लगाया था, है ना, याद है आपको, जब आपने इनके ऊपर क्या लगाया, फ्रिक्शन लगाया, है ना। फ्रिक्शन लगाने के बाद ही ऐसा हुआ कि दोनों आपने जब रब किए, तो उसके बाद इसमें क्या हुआ, चार्जेस डेवलप हुए। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो तभी डेवलप होगा जब आप क्या लगाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी के अंदर, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक ओरिजिन जो है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्सेस है। ठीक है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती है, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो आपको सिंपल सी एक लाइन लिखनी है कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यूरिंग रबिंग, सो फ्रिक्शनल फोर्सेस मस्ट हैव एन इलेक्ट्रिक ओरिजिन, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और आप याद रखना बेटा, कि जैसे मान लो जब आप फ्रिक्शन लगाते हैं, ए बॉडी जब इधर से इधर चार्जेस का ट्रांसफर होता है, तो आपको मैंने बताया था कि एटम के अंदर चार्जेस जो होते हैं वो एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक बात याद रखना बेटा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन इज मूवेबल, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, एक फोर्स होता है बिगेस्ट फोर्स माना जाता है,
न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उसकी वजह से ये बाउंड रहता है हमेशा, तो ये कभी भी आपका मोशन नहीं करेगा। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है, कैसे है, ये हमारी सेकंड बुक में बेटा चैप्टर आएगा एटम्स, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, मतलब कि अगर 1 to 2 या 2 to 1 ट्रांसफरेशन हुआ है तो किसका ट्रांसफरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेशन हुआ है, ना कि प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं करते, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि ट्रांसफरेशन जो हम करेंगे वो किसका करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन ओरिजिन क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस के डेवलप होने का, फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है नोट करने वाला, नोट आपको करना है इफेक्ट ऑन मास। चार्जेस जो होते हैं बेटा, जब एक एटम से, मान लो ये मेरे पास एक एटम था, दूसरे एटम की तरफ जाते हैं, तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन इससे इसकी तरफ गया, तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या मास पे कोई इफेक्ट पड़ा है। आपको ये लिखना कैसे है मैं बता दे रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, हेडिंग भी यही डाला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस डाल देना और उसके अंदर लिखते जाना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये डलेगा कि इफेक्ट ऑफ मास। तो बेटा इफेक्ट ऑफ मास पड़ा कि नहीं पड़ा आप बताओ सोच करके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पड़ेगा सर, क्यों, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास होता है कि नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास की बात करें कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg होता है ना। तो क्या हुआ कि इतना इलेक्ट्रॉन जब यहां से इधर की तरफ ट्रांसफर हुआ, तो यानी कि इतना मास ट्रांसफर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं कि मास पे इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है, मास की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बट 10⁻³⁻ का मतलब समझते हैं, 0.00000000031 टाइम्स और फिर 1 आएगा, यानी कि बहुत नेग्लिजिबल है ना। इसलिए हमें जो है मास में चेंज एकदम से डिफाइन नहीं हो पाता, हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि कितना चेंज हुआ है, बट चेंज होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखना, पेपर में आया वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना के दे रखा था, इसी तरीके से कंसेप्ट यही लगना था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस वाला, डन, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, ठीक है। तो दूसरी बात, मान लो आपको अब ये पूछे, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मान लो एक ग्लास लिया मैंने, ग्लास रोड लिया, उसको सिल्क के साथ रब किया या कॉटन के साथ रब किया, मान लो किसी के साथ भी रब किया, तो कौन से वाली बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज होगी और कौन से वाली बॉडी निगेटिव चार्ज होगी, ये कैसे पता करेंगे। और लॉजिकल बात है, सोचने वाली बात है, याद करो मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि अच्छा ग्लास रोड तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई और सिल्क जो है आपका निगेटिव हो गया, है ना, कैसे कैसे मुझे पता चला, सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो बेटा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप को एक छोटी सी टेबल लर्न करनी पड़ेगी, शॉर्टकट वे मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा डीप आपसे पूछेगा नहीं। आप क्या करोगे, ये 10 नाम मैंने लिखे हैं, इनको आप अच्छे से रट लेना, समझ लेना, दिमाग में डाल लेना, उससे आपको सारी वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा, जो वैल्यू, जो वर्ड इस टेबल के अंदर ऊपर मिलेगा आपको वो तो हमेशा होगा पॉजिटिव, और जो दूसरा जिससे आप रब करेंगे अगर वो नीचे मिलेगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा ग्लास को सिल्क के साथ रब करें, तो ग्लास 4th नंबर पे है सर और सिल्क 7th नंबर पे है, तो ग्लास को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास ऊपर मिला, तो इट मीन्स ग्लास विल बी पॉजिटिव एंड सिल्क विल बी निगेटिव, ठीक है। अब ये मैंने टेबल कैसे बनाई, कैसे इसमें होता है, इसके लॉजिक में ज्यादा डीप जाने की जरूरत में नहीं है आपको अभी, ठीक है, सिलेबस में भी नहीं है, तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा, कॉटन, कॉटन देख लो, कॉटन तो नीचे ही है, तो यानी कि फिर से ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा और कॉटन क्या हो जाएगी, कॉटन हो जाएगी बेटा फिर से निगेटिव, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि अगर ह्यूमन बॉडी, कॉटन के कपड़े आप कभी पहने हो या सिल्क के कपड़े पहने हो, तो आपने देखा होगा कभी कभी कहीं पे कॉनी टच हो जाती है या फिर आपके घुटने आपस में टकरा जाते हैं तो करंट सा लगता है, क्यों लगता है, उसका रीजन भी यही है, या तो आपने कॉटन के कपड़े उस दिन पहने या सिल्क के कपड़े पहने, 100% उसकी वजह से क्या हुआ कि वो आपकी बॉडी से रब कर रहे हैं, और देखो ह्यूमन बॉडी सिल्क और कॉटन से नीचे आ रही है, यानी कि ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना, ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज होगी, और निगेटिव चार्ज जब इतना डेवलप हो जाए कि आपको 1 माइक्रो एम्पियर का झटका देने लायक बन जाएगा, वो कैसे आता है बताऊंगा, तो आपको क्या होगा, करंट फील होता है, आपकी कोहनी कहीं लगेगी या फिर आपका जो है घुटने कहीं पर टच करेंगे, तो सिल्क और कॉटन के कपड़े पहनने के केस में सबसे ज्यादा ये वाली बात होगी,
समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप इन 10 नामों को याद करके ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं कि कौन सी चीज पॉजिटिव चार्ज होगी और कौन सी चीज नेगेटिव चार्ज होगी। और बेटा सीबीएसई में 2013 और 2017 क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, ठीक है ना? तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें बेटा फर क्या होता है और फ्लैनल क्या होता है ये देख सकते हैं आप। फर बेटा जिसकी इस तरह की शर्ट होती है ना, चेक वाली शर्ट है ना, इस तरह का जो कपड़ा होता है ना, इस तरह के जो रेशे होते हैं उन्हें फर ही कहते हैं, ठीक है ना। फ्लैनल की अगर बात करें, फ्लैनल आपको पता ही होगा है ना, फ्लैनल, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, फर ये है, फर मतलब जैसे कि कैसे पंख टाइप होते हैं है ना, रेशियो वाले जैकेट्स वगैरह भी बनती है ना, स्पेशली गर्ल्स इनको पहनती है, फर होता है। और फ्लैनल ये चेक वाला कपड़ा सा होता है ना, इसके रेशियो को कहते हैं, ठीक है। और सीलिंग वैक्स आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा स्टैंप लगाने में जो वैक्स काम करते हैं हम है ना, वो उस वैक्स को हम कहते हैं सीलिंग वैक्स। स्टैम्प वगैरह लगाने में बहुत ज्यादा काम आती है, या किसी की मान लो दुकान सील हो गई या कुछ चीज सील हो गई तो गवर्नमेंट उसका बड़ा इस्तेमाल करती है। ये वैक्स ऐसी होती है, एक बार चिपक जाए तो उतरेगी नहीं, ठीक है ना, फिर इसको काटना ही पड़ता है डायरेक्ट, है ना। सीलिंग वैक्स ही होती है। ग्लास आपको पता ही है, कॉटन पता ही है, पेपर पता ही है, सिल्क पता है, ह्यूमन बॉडी पता है, वुड और मेटल्स पता है, बस इतना 10 ये आपको रटना है, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक अंडरस्टैंड हो रहा है। अगर बेटा कोई भी इश्यू आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलो अब आता है एक नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। मान लो कि मेरे पास एक बोल थी जिसके अंदर इक्वली पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस थे, ठीक है। याद रखना, जिस भी बॉडी के अंदर इक्वली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं दैट बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल बॉडी। क्या कहलाती है? न्यूट्रल बॉडी। मतलब चार्जेस हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं चार्जेस नहीं है, बट जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं, तो इसलिए अट्रैक्शन और रिपल्सन सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इंडक्शन का मतलब मैं इसके थ्रू आपको समझ रहा हूं कि एक मान लो एक न्यूट्रल बॉडी आपके पास थी, तो आप बेटा खुद सोचो कि अगर मैं कोई एक पॉजिटिव रोड, मान लो ग्लास रोड है ये, मैं इसके पास लेके आऊं तो क्या होगा? सारे निगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में क्या करूं कि पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है उसके अंदर एक तार बांध देता हूं, और तार बांध के इस तरीके से उसको अर्थड कर देता हूं। अर्थ करने का मतलब होता है ग्राउंड में दबा देना, धरती में दबा देना, है ना। तो क्या होगा कि इससे क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाते हैं। अब आप कहोगे सर अर्थ में चले जाते हैं ऐसे कैसे, और पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, ये क्या बोल रहे हो आप? एक्चुअली बेटा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, हमारी जो अर्थ होती है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस अवेलेबल होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि कोई भी तार, कोई भी वायर अगर आप अर्थ में लगा देते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आपके पास आएंगे और इनको कर देंगे न्यूट्रल, तो पॉजिटिव खत्म हो गया। और अगर मान लो ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, मान लो ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी होते हैं, अर्थ के अंदर तो सब कुछ है और सब कुछ समा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाते हैं और फिर ये वाला हिस्सा न्यूट्रल हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इसे अर्थिंग करना कहते हैं। आपके घरों में भी बिजली की फिटिंग में अर्थिंग हो रही होगी, आपने सॉकेट्स वगैरह देखे हैं, इस तरह के सॉकेट्स जो होते हैं उसमें एक बड़े वाला होता है और फिर इस तरह से दो छोटे और ऐसे लगा रहते हैं, तो ये बेटा अर्थ वायर ही तो है आपका। ये इसलिए किया जाता है कि अगर मान लो कि कभी शॉर्ट सर्किट हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एक अर्थ वायर यहाँ पे कनेक्ट रखेंगे, जिससे क्या होगा कि दीवारों में अगर मान लो तार है तो करंट दीवार में ना लगे, ठीक है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो सारा का सारा अर्थ में चला जाए। तो इसके लिए या तो खंभों पे एक पतला तार बिछाया जाता है, मान लो मोटा तार यहाँ, इसके नीचे एक पतला तार बिछाया जाता है, वो अर्थ वायर है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट अपनी किसी पानी की टंकी के पाइप से इसको टच करा देते हैं, क्योंकि वो भी तो जमीन में गड़ी हुई होती है ना, पानी का जो पाइप होता है ना, तो उससे टच करा देते हैं तो अर्थिंग हो जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं होता और दीवारों में करंट वगैरह नहीं लगता, ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है और बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जनरली जितनी भी ज्यादा वोल्ट की, 100 वोल्ट की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जनरली ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लो प्रेस होती है, प्रेस में आप देख लेना हमेशा होगा, फ्रिज में होता है, फ्रिज में हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है, और उसके अलावा वॉशिंग मशीन में आपको मिलेगा, है ना, मोबाइल में नहीं मिलेगा क्योंकि 1 एम्पियर का करंट मैक्सिमम लेती है, तो क्या शॉर्ट सर्किट, है
है ना। तो बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, हीटर में मिलेगा, एसी में मिलेगा, कूलर में मिल जाता है, हालांकि अब तो कूलर जो है कम वॉट के आने लगे तो उसमें नहीं मिलेगा, पर मैक्सिमम मिल जाता है, ठीक है ना। तो उन सब में इस्तेमाल किया जाता है, इसे अर्थिंग कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं, इसको लिख लेना अलग से, ठीक है। तो होगा क्या कि चार्जेस जो पॉजिटिव हैं वो एक्चुअली निगेटिव के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, और यहां से सारा का सारा पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और यहां पे निगेटिव ही आ जाएगा। तो पूरी की पूरी बॉल अब क्या हुई है, निगेटिवली चार्ज हो गई। अब ये रॉड भी अगर आप हटा लोगे तो पूरी की पूरी बॉल क्या हो गई, सिर्फ एक चार्ज इस पे आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, है ना। दैट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्यों कहा, क्योंकि इंडक्ट हो गई ना, इंड्यूस्ड हो गई ना, इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित हो गई ना। ये प्रेरित मतलब क्या है कि अब ये ऐसी बॉल नहीं है कि ये किसी के साथ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं करेगी, जब तो नहीं कर सकती थी, लेकिन अब ये क्या करेगी, पॉजिटिव के साथ तो ये अट्रैक्ट हो सकती है और नेगेटिव के साथ क्या हो सकते हैं, रिपेल हो सकते हैं, एक्साइट हो सकती है ना, एक्साइट हो गई है अब, तो इसलिए इसको नाम दिया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और डायग्राम जरूर बना लेना, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आप डायरेक्ट लिख लो, साथ के साथ नोट्स बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बेटा अगर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो बेटा बाद तो फिर बाद ही हो जाती है, कल कभी नहीं आई, मेरी नहीं आई आज तक, कुछ जो चीजें में छूट जाती हैं वो फिर आगे नहीं होता पाती डिस्कस। तो समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, आई थिंक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और दो चीजें और होती हैं दुनिया में, एक कंडक्टर्स कहते हैं, एक इंसुलेटर कहते हैं, एक्चुअली मटेरियल हैं, मैटर्स जो हमारे पास होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, एक और होता है सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स इसको भी साथ में ही ले लेते हैं। देखो कंडक्टर्स का मतलब होता है सारी की सारी दुनिया में ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से करंट, करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर जाएंगे, ठीक है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर जाते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। अब कोई पूछे कि सर क्यों फ्लो करते हैं, क्योंकि बेटा कंडक्टर्स जितने भी होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, मान लो एक ही कंडक्टर है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कुछ लूज इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि मान लो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, है ना। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के भरने का जो तरीका होता है किसी भी ऑर्बिट में वो क्या होता है, 2 8 18। तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स भर गए, 8 भर गए, और यहाँ पे कितने भरे, सिर्फ 7। तो यानी कि क्या है, पेयर्ड नहीं है, तो जो पेयर्ड नहीं होते चार्जेस उनको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या रह गए, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब जो चीज फ्री है तो वो तो आसानी से मूव करेगी ना, तो इसलिए क्या होता है कि कंडक्टर्स के अंदर अगर आप किसी और चार्जेस को टच कराते हैं, लगाते हैं, तो यहाँ पे चार्जेस आसानी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सारी की सारी सब्सटेंसेस को हम क्या नाम दिए हैं, कंडक्टर्स। तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट इंसुलेटर क्या होगा, इंसुलेटर जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, या फिर इसके अंदर आप कह सकते हैं कि बाउंड चार्ज रहते हैं, ठीक है, चार्ज जो होते हैं वो बाउंड होते हैं। तो ऐसे सारे के सारे जो सब्सटेंसेस होंगे उनको इंसुलेटर, जैसे कि वुड हो गई, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, ठीक है, और कंडक्टर्स में सारी मेटल्स हो गई, ठीक है। अब बात करें सेमी कंडक्टर की बेटा, तो सेमी कंडक्टर एक्चुअली में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो तो कराएगा, फ्लो करेगा 100% करेगा, बट लेस क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी कम होगी उनकी फ्लो कराने के। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि सेकंड चैप्टर में पूरा एक कंडक्टर टॉपिक है, पूरा इंसुलेटर का एक टॉपिक है, और बेटा सेमीकंडक्टर का तो चैप्टर ही है सेकंड बुक में, ठीक है। तो इनको अच्छे से लिख लेना, इसी तरह से लिख सकते हो जैसे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, इतना काफी है क्योंकि आगे भी आएगा दोबारा से, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो बेटा अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हमने चार्जेस के बारे में जान लिया कि चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, हमने ये जान लिया है कि चार्जेस का कैरेक्टर कैसा होता है, ठीक है। तो अब चार्जेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, आईसीएसई में भी आते हैं, इवन यूपी बोर्ड में भी आते हैं,
तो उनको कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के कुछ टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, न्यूट्रल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो बेटा न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो दोनों को ही अट्रैक्ट करेगी, जाहिर सी बात है। क्यों करेगी? क्योंकि आपको पता है उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, ये फैक्ट इस क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइव बोल्स नंबर्ड 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। पांच बोल हैं जिनके ऊपर 1 to 5 तक नंबर लिखे हुए हैं और सेपरेट थ्रेड से सस्पेंड हुई में लटकी हुई हैं। तो बेटा फिजिक्स में क्वेश्चन करने का तरीका आज मैं बता रहा हूं, सीख लो। फिजिक्स में जितना ज्यादा डायग्राम आप बनाओगे क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन उतना ही जल्दी और उतना ही आसानी से हो पाएगा, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। मुझे तो इसी तरीके से फिजिक्स सीखी थी मैंने, इसी तरह से आई थी, और आप लोगों का सपोर्ट रहा और सब कुछ मेरे बड़ों की दुआएं रही, तो मेरे फिजिक्स में बेटा 96 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट कि मेरे टीचर्स की जितनी भी बातें थी मेरे काम आई। और उन्होंने मुझे यही बताया था कि न्यूमेरिकल्स करना है या कुछ भी करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना है, तो फिजिक्स में बेटा डायग्राम का सहारा लो। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि डायग्राम का सहारा लो, सपोर्ट लो, जल्दी क्वेश्चन समझ में आता है और हो भी जाता है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाते चलता हूँ, लाइन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। 1 to 5 तक नंबर है, पांच बोल है, तो मान लो 1, 2 सेपरेट थ्रेड से हैंग्ड है, 3, 4 एंड 5, ठीक, ये हैंग कर दी, सस्पेंड कर दी मैंने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पेयर्स 1, 2, 2, 4 एंड 4, 1, 1 और 2, 2 और 4 और 4 और 1 आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि 1, 2, 2, 4 और 4 और 1 आपस में क्या कर रही हैं, तीनों की तीनों अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, आपस में तीनों की तीनों अट्रैक्ट कर रही हैं। व्हाइल पेयर्स 2, 3, 2, 3 एंड 4, 5, 2, 3 और 4, 5 क्या कर रही हैं, 2, 3 और 4, 5 कह रहा रिपेल कर रही है, रिपल्सन शो कर रही है, रिपेल कर रही है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉल वन, बॉल वन का आपको क्या करना है, नेचर बताना है, ठीक है, बॉल वन का नेचर बताना है कि कैसा होगा। तो बेटा क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, तो क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा आपको। वन के बारे में पूछा है तो वन को ही पकड़ लो जरा आप। तो वन एक तो स्पेयर में है और एक स्पेयर में, और इसमें तो है नहीं, तो एक चीज देखो, 1, 2 आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और 4, 1 भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, है ना। देखो 1, 2 अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगी, है ना, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगी, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब अगर 4, 1 की बात करें, ये दोनों भी अट्रैक्ट ही कर रही है ना, अट्रैक्ट वाले पेयर में है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगी, या फिर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, मानते हो, ठीक है। अब आपको कंफर्म ये करना है कि 4 का और 2 का नेचर क्या है, वो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 2 और 4 बेटा कंबाइंड आपको इसी वाले सेट में मिल जाएगी, 2 और 4 अट्रैक्ट कर रही है, तो 2 और 4 क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर ये अट्रैक्ट कर रही है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगी श्योरली, और अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी श्योरली, ठीक है, मानते हुए वाली बात अंडरस्टैंड करना आराम से। तो अब एक चीज देखो, मान लो कि मैं 2 को पॉजिटिव मान लेता हूं, 2 को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो अगर 2 पॉजिटिव है तो यानी कि ये वाला केस बनेगा, 2 पॉजिटिव है तो 1 को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव, ठीक है, 1 को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव, तो यानी कि 1 यहां पर निगेटिव होगी, ठीक है। और अगर 2 पॉजिटिव है तो 4 को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव, लेकिन क्या हो रही है, ये पॉजिटिव, ये क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो यानी कि यहां पे क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन आ रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, है ना। तो देखना पड़ेगा कि आखिर है क्या। अब आप एक चीज सोचो कि मैंने 2 को पॉजिटिव माना तो श्योरली 4 तो नेगेटिव होगा ही होगा, श्योरली 4 तो नेगेटिव होगा ही होगा, या अगर मैं 2 को नेगेटिव मानता हूं तो 4 श्योरली पॉजिटिव होगा ही होगा, अट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। लेकिन बॉल वन का तो नेचर मुझे निकालना ही है, तो बॉल वन का नेचर तो मुझे पता नहीं ना, मुझे बॉल वन का तो नेचर निकालना ही है। तो अब एक चीज देखो, अगर 2 पॉजिटिव है तो बॉल वन मैं मान रहा हूं निगेटिव, लेकिन बॉल 4 यहां पे क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर बॉल 2 पॉजिटिव है और बॉल 1 बॉल 4 निगेटिव है,
ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बोल टू क्या है, पॉजिटिव है, और बोल फोर क्या है, नेगेटिव है। और ये वन फोर से भी अट्रैक्ट हो रही है और टू से भी अट्रैक्ट हो रही है। तो एक कंडीशन अभी बताई थी कि एक ऐसा चार्ज जिसको हम क्या नाम दिए हैं, न्यूट्रल, वो क्या करता है, पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करता है ना। इसका मतलब बॉल वन क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और ये नेगेटिव को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। समझ पाए? ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूं अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि कंडीशन मैंने क्या बताई। मैंने बोला कि बेटा आपको बॉल वन का नेचर जानना था, तो बॉल वन का नेचर तो पता नहीं है। तो मान लो वन टू मैंने पेयर लिया और फोर वन लिया। क्यों यही पेयर लिया? क्योंकि वन के बारे में जानना था, और टू फोर लिया। ठीक है, तो नेचर जानने का तरीका क्या है, चार्जेस बना लेते हैं। तो मान लो कि अगर टू पॉजिटिव है तो फोर नेगेटिव होगा। टू अगर पॉजिटिव है तो फोर नेगेटिव होगा, श्योरली अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव डालूं और यहाँ पे नेगेटिव डालूं, तो बॉल वन का नेचर पता नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखो, बॉल वन टू को भी अट्रैक्ट कर रही है, बॉल वन फोर को भी अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि बॉल वन पॉजिटिव को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और बॉल वन नेगेटिव को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ऐसी कौन सी बॉल, ऐसा कौन सा चार्ज होता है जो निगेटिव को भी अट्रैक्ट करे और पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करे? और वो चार्ज मैंने अभी बताया न्यूट्रल चार्ज होता है। तो यानी कि बॉल वन कैसी है, न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा पेपर में, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटा इसको रिपीट करना, दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू कैप्ट एट सम डिस्टेंस इन एयर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव व्हेन क्यू वन क्यू टू इज ग्रेटर देन जीरो, क्यू वन क्यू टू इज लेस देन जीरो? बेटा सीबीएसई 2003 और 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्जेस है मेरे पास, मान लो क्यू वन और क्यू टू, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगी, जाहिर सी बात है लगेगी। ठीक है, या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, और अट्रैक्ट रिपेल करेंगे तो मूव करेंगे, और मोशन करेंगे तो आपको पता ही है नो मोशन इज पॉसिबल विदाउट फोर्स, तो यानी कि फोर्स लगेगी। ठीक है, तो पूछ रहा है कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। कंडीशन दी है नंबर वन ये और कंडीशन नंबर टू। अब बेटा एक चीज देखो, कंडीशन नंबर वन की अगर मैं बात करूं, बोल रहा है क्यू वन क्यू टू इज ग्रेटर देन जीरो, दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन जीरो से बड़ा होना यानी कि पॉजिटिव होना कब पॉसिबल है? आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा प्लस प्लस होता है प्लस, है ना, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, कब आएगा? या तो इस केस में या फिर इस केस में। इसका मतलब दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव ही होंगे, है ना, दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव ही होंगे या दोनों चार्ज निगेटिव ही होंगे, है ना। उस केस में ही आपका चार्जेस जो है आपस में जो है ग्रेटर देन जीरो आ सकता है ना। तो यानी कि दोनों चार्ज की कंडीशन कैसी आएगी, पॉजिटिव होंगे या तो, और दोनों चार्ज या तो निगेटिव होंगे, और दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बात हमें पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, निगेटिव निगेटिव रिपेल करता है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन अगर है चार्जेस की, यानी कि क्यू वन क्यू टू इज ग्रेटर देन जीरो अगर होगा, तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। समझ गए, बहुत आसान था। सिमिलरली सेकेंड केस की अगर बात करें, क्या दिया है कि क्यू वन क्यू टू इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव होना चाहिए, और निगेटिव के बेटा दो केस बनते हैं, अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, या ये निगेटिव है पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट बोथ चार्जेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना। दोनों चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज यानी कि अनलाइक चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स का फंडा लगाया बच्चों वाला, 8वीं क्लास में सिखा दिया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ 20 गुलाम, 20 गुलाम का चार्ज एक्वायर किया है, व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क? बेटा ग्लास रोड थी, मान लो एक एक ग्लास रोड बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सिल्क का कोई कपड़ा लिया, इसके साथ रब कर दिया,
और रब करने के बाद ग्लास रोड पे चार्ज आ गया 20 कूलम्ब। आपको पता ही है टेबल अगर लर्न कर ली अच्छे से तो ग्लास रोड हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ये पूछ रहा है कि ग्लास रोड अगर 20 कूलम्ब चार्ज हो गई तो सिल्क कितना चार्ज होगी। तो बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ चार्जेस अभी पढ़ाई थी कि अगर एटम के पास दो एटम्स को आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चला जाता है, ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी ना, तो ये उतना ही निगेटिव चार्ज होगा जितना कि पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, या जितना कि निगेटिव चार्ज हुआ उतना ही पॉजिटिव चार्ज हुआ। सिंपल सा फैक्ट है ये। तो भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो एक 1e यहाँ पे क्या होगा, 1e यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹ अभी बताया। तो सिमिलरली पॉजिटिविटी भी तो उतनी आई क्योंकि न्यूक्लियस तो चेंज नहीं किया ना मैंने, तो पॉजिटिविटी भी कितनी आएगी, 1e आएगी प्लस की 1.6 × 10⁻¹⁹, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं। तो अगर 20 कूलाम ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो यानी कि सिल्क पे भी कितना आ जाएगा, माइनस का 20 कूलाम, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। और 91 में और 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए, लॉजिक कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। पेपर पिछले 2-3 साल से कंसेप्चुअल बनता आ रहा है तो इसलिए इस चीज पे विशेष ध्यान देना आप लोग कि कंसेप्ट पकड़ो, ठीक है, बढ़े आगे। अब बात करते हैं बेटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, तीन तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज में पाई जाती हैं। सबसे पहली एडिटिव इन नेचर होता है चार्ज, दूसरा कंजर्वेटिव होता है, क्वांटाइजेशन। एडिटिव नेचर की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो बेटा एक्चुअली एडिटिव नेचर इसलिए होता है चार्ज, एडिटिव नेचर मतलब कि अगर एक मेरे पास कोई ब्लॉक है इसके अंदर Q1 Q2 Q3 इस तरह चार्ज है, तो टोटल चार्ज अगर आप निकालेंगे Q, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया होगा आपको या आपने 11th में पढ़ा होगा कि क्वांटिटी तीन तरह की होती है, वेक्टर, स्केलर और टेंसर, तीन तरह की क्वांटिटी होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, पता ही है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। और ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट तब भी वो वेक्टर्स के रूल फॉलो नहीं करती है, उसको क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सिर्फ चार्जेस में होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर मेरे पास कोई ब्लॉक है उसके अंदर मैंने बोला कि 20 कूलाम चार्ज डेवलप है इसके अंदर, तो वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, और मे बी पॉसिबल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो पूरे में, है ना। तो डजंट मीन दैट कि चार्ज कहां पे है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और याद रखना स्केलर क्वांटिटी हमेशा एडिटिव नेचर होती है, चाहे वो कुछ भी हो, आगे और बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो कुछ भी चीज होगी वो अगर स्केलर है तो वो एडिटिव नेचर होती है। तो पहला तो हमें ये पढ़ता चल गया, ठीक है। दूसरा अगर बात करें कंजर्वेटिव, तो बेटा एक चीज देखो, जब मैंने एटम्स को रब किया, दो बॉडी को रब किया, तो रब करने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन की मान लो वैल्यू आपको मैंने बताई अभी माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो जाएगी, 1e की वैल्यू होती है। लेकिन उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी तो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1.6 × 10⁻¹⁹ है ना। अब अगर इसको और इसको आप ऐड करो तो यानी कि 1e प्लस 1e करो तो टोटल क्या हो गया, जीरो। तो यानी कि टोटल वैल्यू में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, जितनी थी उतनी ही अभी टोटल वैल्यू कंबाइंड की अगर बात करें उतनी ही अवेलेबल है। और बेटा अगर किसी वैल्यू में कभी भी टोटल में कोई चेंज नहीं होता तो उस वैल्यू को कहते हैं कंजर्वेटिव वैल्यूज। जैसे कि एनर्जी, एनर्जी का आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, है ना, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय नॉर प्रोड्यूस बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, अनदर फॉर्म, दैट इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना बेटा। हमारी गीता में, हमारे कुरानों में, हमारी जो है जो अर्थ वेद होते हैं उन सब में ये बातें पहले से लिखी हुई है, लिखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर भी कि नैनन छिदंति शस्त्राणी नैनम देती पावक है, नैनन छिदंति शस्त्राणी नैनम देती पावक है, न छिदंति गंध्यापो न शुषति मारुते। मतलब क्या है संस्कृत में, कि आत्मा जो है, आत्मा जिसको आप सोल कहते हैं, वो अमर है, अजर है,
जिसका कोई रूप नहीं होता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में वो क्या होती है, खुद से परिवर्तित तो हो सकती है। ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है, और ना उसको मारा जा सकता है। तो बेटा एनर्जी भी तो यही है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को समाप्त नहीं किया जा सकता, नोर प्रोड्यूस, ना ही बनाया जा सकता है, ठीक है। एंड इट डजंट हैव एनी शेप एंड साइज, का कोई शेप साइज भी नहीं है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, है ना, दैट इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस ये इंग्लिश में कह दिया तो आपको बड़ा प्यारा लग रहा, संस्कृत में बोल दिया तो आप सोच रहे थे पांडित्य हासिल कर रहे हैं सर, है ना। एक्चुअली पूरा का पूरा फिजिक्स मैं रियलिटी में बताऊं तो गीता पुराण और आपके वेदों में लिखा हुआ है, अगर आप उसको धर्म से अलग करके पढ़ें तो। कंजर्वेटिव नेचर आई थिंक समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बात इसमें हमेशा याद रखना, टोटल चार्ज कंजर्व है। सिंगल सिंगल की वैल्यू देखो तो इस पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और अगर सिंगल इस पे देखो तो प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। बट टोटल चार्ज ऑलवेज कंजर्वेटिव, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट आता है नंबर 3, क्वांटाइजेशन। तो बेटा क्वांटाइजेशन का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। दूसरी बात, क्वांटाइजेशन एक पूरी वीडियो लेक्चर का टॉपिक है, पूरा एक बड़ा टॉपिक है, पूरा एक घंटा इसमें लग जाता है कभी कभी, क्योंकि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उनको भी लिखते जाना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, नोट्स बनाते रहो, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।